मैं शिवानी उपाध्याय, आप देख रहे हैं लाइव 24। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस बुलेटिन से। आज पीएम नरेंद्र मोदी दूसरी बार हरियाणा दौरे पर हैं, जहां वो सर छोटू राम की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। आपको बता दें कि सर छोटू राम एक महान क्रांतिकारी नेता थे, जिन्होंने रोहतक में कांग्रेस पार्टी का गठन किया था। सर छोटू राम गांधी जी के बड़े प्रशंसक थे। वहीं इस मौके पर पीएम मोदी सांपला में दीनबंधु स्मृति रैली को संबोधित करेंगे और रेल कोच फैक्ट्री की आधारशिला भी रखेंगे। योग गुरु बाबा रामदेव ने ऐलान किया है कि वो 2019 के लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी या नेता का समर्थन नहीं करेंगे। बाबा का कहना है कि वो राष्ट्र निर्माण के काम में लगे हैं, इसीलिए वो 2019 के चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लेंगे। रामदेव ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के काम की तारीफ भी की है। आपको बता दें कि 2014 के आम चुनाव में बाबा रामदेव ने खुलकर नरेंद्र मोदी का समर्थन किया था और वो अब 2019 के चुनाव से पहले जिस तरह वो राहुल की तारीफ कर रहे हैं और बीजेपी के प्रचार से पीछे हट रहे हैं, उसे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बीजेपी और बाबा के रिश्ते में दरार की लकीरें पड़ गई हैं। यूपी और महाराष्ट्र के एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एटीएस ने एक पाकिस्तानी खुफिया आईएसआई एजेंट को पकड़ा है। ये आईएसआई एजेंट नागपुर से पकड़ा गया है, जिसका नाम निशांत अग्रवाल है, जो पाकिस्तान के लिए टेक्निकल और खुफिया जानकारी जुटाता था। यूपी एटीएस की आईजी असीम अरुण ने बताया कि नागपुर की ब्रह्मोस यूनिट से आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया गया है। वो पाकिस्तान को ब्रह्मोस की जानकारी देता था। आरोपी रुड़की का रहने वाला है और 2013 से ब्रह्मोस मिशन से जुड़ा था। गुजरात के साबरकांठा में 14 महीने की बच्ची से बलात्कार के मामले के बाद उत्तर भारतीय के खिलाफ आक्रोश का माहौल है, जिससे डरे यूपी और बिहार के लोगों के पलायन का दौर जारी है। घटना के बाद से उत्तर भारतीय के खिलाफ नफरत वाले मैसेज वायरल होने लगे हैं और उन पर हमले होने लगे हैं, जिसको लेकर ये लोग प्रदेश से पलायन कर रहे हैं। पलायन कर रहे लोगों से राज्य सरकार ने लौटने की अपील की है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने लोगों से हिंसा में शामिल नहीं होने की अपील की है। वहीं यूपी और बिहार के मुख्यमंत्री ने भी गुजरात के मुख्यमंत्री से इस मुद्दे पर बातचीत की है। ग्रेटर नोएडा की दादरी पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह दिल्ली एनसीआर में मोटरसाइकिल चोरी की वारदात को अंजाम दिया करता था। पुलिस ने चोरों के पास से 11 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। वहीं पुलिस अब इन चोरों की बाकी साथियों की तलाश में जुटी हुई है। देखिए, दादरी पुलिस द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। 2 वाहन चोर, जो बड़े वाहन चोर है, उसको दादरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से लगभग 11 मोटरसाइकिलें उनकी निशानदेही पे बरामद की हैं। और इसी क्रम में एक ये पूरा गैंग का खुलासा हुआ है, जिसमें 2 अभियुक्त हमने वांछित भी किए हैं। ये 2 अभियुक्त वो हैं जो इनमें से एक मुख्य अभियुक्त का संबंधी भी बताया जा रहा है और ये बिचौलिए का भी काम करता था, जो मोटरसाइकिल सस्ते दामों पर थर्ड पार्टी को बेचते थे। यूपी के लखनऊ में लोकबंधु अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही से मामला सामने आया है, जहां एक महिला डिलीवरी के बाद टांका कटवाने आई थी, लेकिन टांका काटते समय डॉक्टर ने गलत तरीके से टांके काट दिए और महिला के पेट में दर्द होने लगा। दर्द इतना बढ़ गया कि महिला बदहवास हो गई। वहीं महिला की हालत बिगड़ने के बाद उसके परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मामला ये है सर, यहाँ जितना भी टॉयलेट है, जितनी भी चीजें हैं, समय से पहले सारी जो क्लीनिंग है यहाँ की, समय से पहले वो बंद हो जाता है। लेडीज आती हैं, दे आर प्रेग्नेंट, उनको अर्जेंट कॉल की जरूरत होती है, तो सारे पे लॉक लगे हैं। यू कैन टुक द फोटोज, आप फोटोज में ले सकते हैं, देख सकते हैं। कोई भी चीज़ यहाँ भी सिस्टमेटिक, अगर हमें अर्जेंट दवाओं की जरूरत है, वी हैव टू परचेज फ्रॉम द आउटसाइड। यहाँ पर हमको बिल्कुल हमको यहाँ से नहीं मिल पाती हैं। मैं अपनी बीवी को यहाँ बड़ा ऑपरेशन से डिलीवरी हुई थी मेरी वाइफ की, जो डॉक्टर ने ये हो गए 10-15 दिन पहले मैं अपनी वाइफ को यहाँ डिलीवरी के लिए लाया था, तो डॉक्टर ने बड़ा ऑपरेशन करने को बोला। मैंने ठीक है मैडम, बड़ा ऑपरेशन कर दीजिए आप। इन्होंने बड़ा ऑपरेशन किया और 5 दिन यहाँ मेरी वाइफ को एडमिट रखा, फिर उसके बाद इन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज करने के बाद इन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा है, 3 दिन बाद लेके आना है, टाँके कटने हैं। कोई डॉक्टर है क्या है, मंजू कोई हैं मैडम, उन्होंने टाँके काटे, पूरे टाँके काट दिए, जिससे वो टाके पूरे फिर से खुल गया पूरा।
यूपी के मुजफ्फरनगर में मनचलों के जरिए दो बहनों और एक भाई की पिटाई का मामले ने तूल पकड़ लिया है। पीड़ित के परिजनों का कहना है कि आरोपियों के परिजनों की ओर से मुकदमा वापस लेने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है, जिसके बाद पीड़ित के परिजनों ने सैकड़ों लोगों के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया। हंगामा देखकर एसएसपी ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। हमारे बच्चों के साथ मारपीट हुई है। किसने करी मारपीट? ये लड़के थे दीपक मुन्ना। पूरी घटना बताइए क्या हुआ? छेड़ा छाड़ी की है जी। किस तरह से छेड़छाड़ की थी? कॉलेज से जा रहे थे? अरे बच्चे कॉलेज से जा रहे थे और जाते समय मारपीट करी, मतलब बाइक रोक के, बाइक आगे खड़ी करी, मिनी मैट रोके। अच्छा जी, और लड़कियों की क्या मतलब खींचतान करी, ईंक में ले जाने की। हाँ, लड़के ने जो विरोध किया तो लड़के के साथ मारपीट करी। आज खतौली थाना क्षेत्र के चंदपुरी गांव के कुछ लोग आए थे। उनका ये कहना था कि अभी 5-6 दिन पहले गांव में एक झगड़ा हो गया था दो पक्षों के बीच में। इसमें विवाद पहले से चला आ रहा था। पहले एक पक्ष ने, जो इस समय पीड़ित पक्ष है, इन्होंने शायद जो इस घटना में आक्रामक पक्ष है इसके खिलाफ वो किया था, गाँव में ही समझौता हो गया था। हम ना कॉलेज से जा रहे थे घर पे, फिर एकदम आगे लड़कों ने हमारे साथ खींचम खाची करी, ईंख मेरे को उतारने लगे और मेरे तो कपड़े भी फाड़ दिए थे उन्होंने। कौन लोग गांव के हो आप लोग? चंदपुरी गांव में हमारा। तो क्या हुआ? भवर सिंह। कौन लोग? क्या नाम था उनका? आपको किस किस ने मारा? कौन मार दिया? वे गुजर के लड़के थे, नाम है उनका दीपक और मुन्ना और सनोज और प्रियांशु। ग्रेटर नोएडा जारचा कोतवाली इलाके में मोटरसाइकिल सवार दो बदमाशों ने एनटीपीसी प्लांट में घुस गए। बदमाशों के बैरिकेड पर चेकिंग के समय ना रुकने की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं और कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने बदमाशों को पकड़ लिया है। वहीं पकड़े गए बदमाशों से पुलिस पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि पकड़े गए इन बदमाशों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। लखनऊ के इको गार्डन में प्राथमिक शिक्षकों के संघ सदस्यों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रदेश के 75 जिलों से आए लाखों की तादाद में शिक्षकों ने पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और मांगे नहीं मानी जाने पर विधानसभा घेराव की चेतावनी भी दी। यूपी के मऊ में दिव्यांग आश्रित ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अपनी जीविका के लिए सरकारी कोटे की दुकान और पेंशन की मांग की है। आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन कर रहे दिव्यांग आश्रित संगम चौहान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विश्वनाथ चौहान के बेटे हैं। उनके पिता संगम चौहान ने मांग की कि सरकारी गल्ले की दुकान जो निरस्त है उसके संचालन का अधिकार दिया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए डीएम को कई बार पत्र दिया गया है लेकिन जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। सर मैं वैसा हूँ, मैं स्वतंत्रता सेनानी का आश्रित हूँ। पारिवारिक पेंशन हमारे पासबुक में लिखा गया है कि पेंशन मिलना चाहिए और जो है एक जमीन का विवाद है, उस जमीन पर जो है कि चक्रोट बनवा दिए हैं, शौचालय बनवा दिए हैं, मेरी जमीन जो है भोजहरी की जमीन है, यही समस्या है सर। तनुश्री दत्ता मामले के बाद अब तमाम महिलाओं ने अपने खिलाफ हुए शोषण पर खुलकर आवाज उठानी शुरू कर दी है। अब राइटर और फिल्म मेकर विंटा नंदा ने आलोक नाथ के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया है। विंटा ने एक लंबी चौड़ी फेसबुक पोस्ट के जरिए पूरे मामले को खुलकर पब्लिक के सामने रखा है। विंटा ने लिखा कि जब मैं साल 1994 के मशहूर शो तारा के लिए काम कर रही थी, उन्होंने मेरे साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया। आपको बता दें कि विंटा ने इस फेसबुक पोस्ट में आलोक नाथ का नाम नहीं लिया है, लेकिन जिस शो और जिस तरह से संस्कारी शब्द का इस्तेमाल विंटा ने किया है उससे साफ जाहिर होता है कि आलोक नाथ के बारे में बात कर रही हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए लाइव 24। नमस्कार।